लालकुआ निकटवर्ती हाथीखाना क्षेत्र सहित कई कॉलोनियों में लगे कूड़े के ढेर क्षेत्रवासियों को परेशानी का सबब बने हुए हैं। कूड़े के ढेर से उठती दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। उन्होंने जल्द कूड़ा उठान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बताते चले कि लालकुआ के हाथीखाना बजरी कंपनी बंगाली कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल करने के लिए बीते कुछ वर्षों से जोर शोर स्थानीय बड़े नेताओं द्वारा भाषण दिए जा रहे हैं। वहीं चुनावी रण में जीत से पहले क्षेत्रीय विधायक ने भी इन कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल किए जाने का आश्वासन क्षेत्र की भोली भाली जनता को दिया था। माना यह भी जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इन बस्तियों को नगर पंचायत में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन इन बस्तियों में कूड़े के ढेर नेताओं की कार्य प्रणाली पर सवाल निशान लगा रहे हैं। कूड़े के ढेरों से उठती दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। हाथीखाना कार रोड पर सेंचुरी दीवार के निकट बजरी कंपनी रोड बंगाली कॉलोनी में लगे कूड़े के ढेर के कारण आसपास रहने वाले और दुकानदारों एवं राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से कूड़े का उठान करने की मांग की गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कूड़े का उठान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछले 10 सालों से लगभग फॉरेस्ट की लैंड पर ही कूड़ा डाला जा रहा था, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में बसी हुई कॉलोनियाँ हैं और वर्तमान में इसे रोक दिया गया है, इस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो इसमें हमारी टीम के द्वारा एक राजस्व जमीन ढूंढी जा रही है, जिसे ढूंढ भी लिया गया है। इसमें शीघ्र ही हम एक नया स्थान कूड़े के लिए चयन करते हुए इसका निस्तारण कर लेंगे। और वर्तमान में जो कूड़े की स्थिति है उसके लिए जो लोग भी इसके विरुद्ध उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं और उनको मेरे द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है, और ये कूड़े का निस्तारण शीघ्र ही करा लिया जाएगा।